ओ ब्रो मजा आ रहा है पार्टी में ब्रो, आज तो मजा ही आ गया ब्रो। ओ ब्रो चखना कहाँ है ब्रो? ब्रो सॉरी चखना तो मैं भूल गया ब्रो। यार ब्रो चेस ब्रो, ब्रो मुझे लगता है डेड आ गए ब्रो। ओ छुपा छुपा जल्दी छुपा। How are you अंकल? Fine बेटे, आप सुनाइए ठीक हो? स्टडी कैसे चल रही है आपकी? और घर में पापा ठीक है? हाँ अंकल सब बढ़िया है घर पे। और बेटे क्या हो रहा है? वो डैड ग्रुप स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम एग्जाम वेरी टफ। ओह नो। अच्छा बेटे एग्जाम तो टफ होगा ही, जब ऐसी स्टडी चलेगी तो क्या है ये? वो डैड कर तो स्टडी रहे थे तो बीच बीच में थोड़ा सा ना स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए एंजॉय करने लगते हैं। हाँ तो बेटे इसमें छिपाने वाली क्या बात है, साथ में एंजॉय करते हैं। अंकल चखना तो है ही नहीं। चखना? चखना तो बेटे मैं हमेशा साथ रखता हूँ। बेटा मौज कर दे। तो अंकल आपके लिए भी एक पैक बना देता हूँ। नहीं नहीं बेटे, गिलास से तो बच्चे पीते, बेटे हम तो डायरेक्ट पीते हैं। बेटे सॉन्ग्स वगैरह चलाओ कुछ। बेटे चढ़ दे नहीं है मुझे। हेड सॉन्ग अभी चला देता हूँ। बात जाके ऐसी औलाद हो बाकी जीवन में बरसम काटने तो लिखी ही है, दुखी कर रहा था कतई। अरे ये कहा कर रहे हैं? घर को फुक जाओ, घर को बेसन यार कर लो जाके। हंसे हो और अभी तो बाबा रोज रोज मैं करूँ, कोई कल मैं नहीं करो, आज अगर मरा आज मैं ना करूँ बाबा। अच्छा चप्पल तो ये अब कहा मारोगे? भगो ना हो तो भगो ना हो, फुक जाओ घर को। यार बाबा ने ढंग से छेद दिया आज हम तो। यार बाबा ऐसा नो करनी चाहिए हमारी गेंद, बाबा ने गलत करो हमारी गेंद। यार मेरे तो आई ब्रो पर चप्पल और मारी बहुत तेज। तेरे तो आई ब्रो पे ना, तेरे तो दोतन पर मारनी चाहिए जो ढाई फुट के बाहर को निकट रहे। इतने बड़े तो नो है आज, इतने तो बड़े तू कह रहे हो। अब छोड़ इन बात ना, सोम को है कोई प्रोग्राम? टेंशन मत ले, तेरे भाई ने कर दियो जुगाड़। सोम की बचरी बाबा की उठा लायो। सच्ची? दोनों भाई लेते लिटिल लिटिल। आजा तू। आज तो सोम। अब बढ़िया सा पैक बना आज भाई। आज तो भाई बढ़िया बनाएगा। मजा आ जाएगा, आज तो कई दिन बाद मिल रही है। बराबर है? ना थोड़ा सा और गिर हम कम है। ए बस। ए हे। अरे तो ढोर भी अभी वहीं बंद रहे, ये कौन गए? वाह हमारा तो नसीब फूट गए, पिछले जन्म में कोई बुरे काम करे लगे जो ऐसे औलाद मिली हमें। क्या कर हमें करना पड़ा कोई, उठा टोकरा अपना करे। मजा आ जाएगा आज तो। पिटने के बाद या पीने को मजा ही कुछ और है। भाई साहब सारे दर्द ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना हो। ए बापू गाय को मार रो, पेप्सी तो पी रहे हम। मार गाय को मैं देखूंगा तुम कौन सी कैंप कोला पी रहे हो, दिखाइए कौन है। अच्छा यू है वो, जा पी जाओ। तो बापू पहली पड़ी हमारी ना यू। अभी पता पड़ जाएगी पहले पड़ी ना पड़ी, जाओ। वो
गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आओ ठीक हो बेटे, बैठो। वो डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी करने के लिए जा रहे थे। ठीक है बेटे। तो पैसे की जरूरत थी थोड़ा। इन पैसों से काम चल जाएगा बेटे? ओ थैंक्स डैड। वेलकम बेटा। डैड वो गाड़ी की चाबी। अच्छा बेटे चाबी? चाबी तो बेटे ऊपर रखी है, जरा देखना। थैंक्स डैड, लव यू डैड। बाय बेटे, जान से जाना बेटा। अरे कैसे रोक दियो, चला क्यों ना आया? पापा एक बात बोलू। दो बोल। कुछ पैसा दे दे जेब में, एक भी रुपया ना। अरे कहा करे को पहचान को, ऐसा बालक स्कूल में छोले कुलचे खा। अच्छा तो मोला खाने को रुपया ना रहे। अच्छा पैसा चाहिए तो। अरे काम करियो, खड़ ले आइयो भैसन को। अरे तेरे मम्मी ने पर्ची दी है, घर को सामान ले आइयो। और जो बाकी बचता है इनको तो कुछ खा लीजो। इनमें एक आईएमटी में प्लॉट ना ले लू, अरे एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ले लू। अच्छा बेटा पैसा घर में झन्ना रही है, लवरा दे तो ज्यादा दे। ले 20 रुपया। कहा करूंगा इनको मैं। क्या हो गया भाई इसको? अरे बेटे कैसे परेशान हो? ओ डैड मैं ना फेल हो गया और इसलिए मैं बहुत अपसेट हूँ, पता नहीं मेरा आगे फ्यूचर का क्या होगा। अरे बेटे इसमें अपसेट होने की क्या बात है, लाइफ में आगे बहुत मौके हैं। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो ठीक है। अपने पापा का नाम रोशन करेगा ना मेरा बच्चा, शाबाश। ओके डैड, थैंक्स डैड, आपने मेरी स्ट्रेस दूर कर दिया है बोल के। अरे रिजल्ट आने वाला है छोरा, आज कैसे रही? पूछू आते ही यार। अरे कौन जाए रेकुआ, रेकु रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कैसे रही? आगो पापा। अरे कुआ अरे कुआ खड़ो। अरे बता कैसे रही तेरे रिजल्ट की? और कैसे रहती, हल्के में ले रहे तो अपने लौंडा। पास होगा? अरे पास तो होगा, पर नू बता तेरे नंबर कितने आए? ते नंबर आ गए बापू तो पे गिने भी ना जाएंगे। मेरा बेटा कलेक्टर बन गया दिखे। अरे कुआ बेटा शाबाशी देंगे, यहाँ बैठ। तेरे मोर्चे को सुबह फोन आ गो, नंबर तेरे सच में ऐसा आया है जिन्हें जाएंगे ही ना, इलाके में नॉक कर दिया होता है ना मेरा। फुक जाए होता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते, ठीक हो? हाँ जी ठीक है, आप बताओ कैसे हो? ठीक है बेटा। अंकल वो नंदू ने दिखाई दे रहा आजकल, वो कहाँ पे है? आपको पता नहीं है बेटे, उसकी तो जॉब लग गई। अंकल जी उसकी सैलरी कितनी है? 11.5 मिलती है बेटे। 11.5 लाख अंकल जी? 11.5 लाख नहीं बेटे, 11,500 इन हैंड सैलरी मिलती है, और ओवर टाइम अलग से। ओह नो। अंकल जी इंजीनियर की इतनी कम सैलरी कब से होने लगी? तभी तो कॉल सेंटर में जॉब लगी है बेटे। खैर छोड़ो, लड्डू लाओ बेटे के लिए, लड्डू खिलाओ बेटे को। हमें तो बेटे उम्मीदों से ज्यादा मिला है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी उससे इतनी। बहुत अच्छा किया हमारे बेटे ने। एक यू है, एक हमारे बालक है निकम्बे, यू कम कम बड़ी होएगी दूध तो देगी। बाबा। अरे तू कद आयो? बात छोड़ो, पर दूध क्यों देगी? क्यों? ये तो बछड़ा है। बछड़ा? चल तू आ छोड़, तू बता कहाँ कहूँ मैं?
बाबा वो भाटे की ड्यूटी लग गई हम गूगल में। गुलगुले यू कहा हो? बाबा यू बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमें बहुत मजदूर काम कर रहे हैं। हमें मजदूर? हमें तो पहले ही पता ही, ये कहीं मजदूरी करेंगे, कहीं भर्ती मारतो, कहीं क्लर्क लगतो, कहीं पटवारी लगतो, मजदूर। ये हम बता फैक्ट्री को नाम मिलना ना आवे, गुलगुले कोई नाम है यू? बैठ मुझे मारा चौक पे, आपके लाल को काला कर दिया डैड। रोते नहीं है बेटे, झगड़े हमारे बहुत हुए। एक बार की बात है बेटे, मैं घर आ रहा था, चार पांच लड़कों ने मुझे घेर लिया। फिर डैड? फिर बेटे मैंने बोला उनसे हिम्मत है? फिर डैड? बेटे उनमें हिम्मत थी, उन्होंने हाथ लगाया। सेम आ की थी बेटे, सेम। और घुटने तो बेटे मेरे अब तक दुखते हैं, बहुत मारता बेटे मुझे, बहुत ज्यादा। बेटे ऐसे लड़कों से सावधान रहते हैं, और उनकी हम कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? ओके डैड, पर डैड उन्होंने आपकी गाड़ी भी छीन ली डैड। नमस्ते पापा। नमस्ते नमस्ते भाई, ठीक है बेटा? कैसे परेशान सो है? पहले तो कभी परेशान न देखो ऐसे, क्या बात होगी? पापा चौक पे चार लौंडा लौंडिया ने छेड़ रहे। अच्छा। मैं उन्हें गुथगो, फिर उनने मैं पेल दियो। अरे पिटका गो बेटा, हमारे दादा ने बात समझाई, पहले किसी से कुछ कीजो मत ना, बाद में फिर किसी की सुनियो मत ना। खड़ो मेरे होते तो पिट जाग, बोलो चल मेरी गल चल, हम देखे किसकी हिम्मत हुई। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। प्लीज